नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है। धामी ने अपने पास 21 मंत्रालय रखे हैं और उनके पास 24 विभाग हैं। परिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी की है, तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसके पास कितने मंत्रालय हैं और किसके पास कौन सा विभाग है। क्योंकि कल पुष्कर सिंह धामी ये कहते हुए नजर आए थे कि जैसे ही विभागों का बंटवारा होगा, किसके पास क्या मंत्रालय रहेगा, ये हम जल्द ही जारी करेंगे। और देर रात ऐसी जानकारी भी आई है और सुबह से ही इस बात पर लगातार नजर बनी हुई है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी ने 21 मंत्रालय अपने पास रखे हैं और उनके पास 24 विभाग रहे हैं। तो परिषद विभाग ने इसकी जानकारी दी है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 21 मंत्रालय हैं, पिछले कार्यकाल में उनके पास 12 मंत्रालय थे। धामी कुल 24 विभागों को देखेंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को 8 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को 5 विभागों की जिम्मेदारी मिली। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को 3 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को 6 विभागों की जिम्मेदारी मिली। वहीं सुबोध उनियाल को 4 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। रेखा आर्य को 3 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री चंद्रराम दास को भी 4 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। तो मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुभाष। चलिए आपको सुभाष के पास लेकर चलते हैं क्योंकि तमाम जानकारियां उनके पास है, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हैं। सुभाष, मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है, विभाग किसके पास कौन कौन से हैं, पूरी लिस्ट सामने आ चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के पास पहले 12 मंत्रालय, इस बार 21 मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे हैं। और ये कहा जाता है, नई सरकार का गठन हुआ था उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार विभागों का बंटवारा कब तक होगा और किस मंत्री को किस कौन से महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि जो बड़े सीनियर मंत्री हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी और महत्वपूर्ण विभाग भी दिए जाएंगे, लेकिन इस बार के जो विभाग हैं वो बेहद अलग तरीके से बांटे गए और मुख्यमंत्री ने खुद अपने पास लगभग सबसे ज्यादा विभाग अपने पास रखे, जिसमें महत्वपूर्ण विभागों की अगर बात की जाए, कार्मिक उनके पास है, सतर्कता उनके पास है, इसके साथ ही सचिवालय प्रशासन उनके पास है, राज्य संपत्ति उनके पास है, सूचना, गृह, होमगार्ड, राजस्व, उद्योग, विकास, खनन जैसे महत्वपूर्ण जो विभाग हैं वो खुद इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे। और इसके बाद ही जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मंत्री यानी कि मंत्रिमंडल में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो हैं मंत्री सतपाल महाराज, उनको भी लगभग 10 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए, जिसमें से लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD जो कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है वो सतपाल महाराज के पास है। इसके बाद पंचायती राज विभाग उनके पास है, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड के लिए जो महत्वपूर्ण विभागों के तौर पर देखा जाता है, पर्यटन, टूरिज्म, वो भी सतपाल महाराज के पास है। तो कहा जा सकता है कि सतपाल महाराज को भी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इस कैबिनेट में दी गई है। वहीं अगर महत्वपूर्ण मंत्रियों में से बात की जाए तो प्रेमचंद अग्रवाल के पास भी 6 मंत्रालय दिए गए हैं यानी कि 6 महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं, जिसमें से वित्त उनके पास है, वाणिज्य उनके पास है, साथ ही शहरी विकास यानी कि शहर के विकास को लेकर स्मार्ट सिटी के तमाम जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण विकास उनके पास है, आवास विकास उनके पास है, साथ ही जनगणना जो विभाग है वो भी उनके पास है, यानी कि प्रेमचंद अग्रवाल के पास भी बेहद महत्वपूर्ण विभाग। अगर देखा जाए तो धन सिंह रावत के पास भी जो मंत्रालय है वो दिए गए हैं, जो विभाग है वो उनके पास है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है शिक्षा, जो शिक्षा है बेसिक हो, माध्यमिक हो, विद्यालय विभाग जो है उनके पास है, सांस्कृतिक शिक्षा भी उनके पास है, सहकारिता उनके पास है, उच्च शिक्षा उनके पास है, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा भी उनके पास बना हुआ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि धन सिंह रावत में एक बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है क्योंकि लगातार देखिए सुभाष, आप भी जानते हैं कि हम लगातार मुहिम चला रहे हैं मेरा गाँव मेरा देश के जरिए, जिसमें हम तमाम मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो। तो ऐसे में इस बार बड़ी जिम्मेदारी धन सिंह रावत के पास है, क्या लग रहा है इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी चुनौतियां सामने? जी बिल्कुल, धन सिंह रावत के पास 2 तो पहले से ही विभाग थे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या उच्च शिक्षा, लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा भी उनको दिया गया। और ये कहा जा सकता है कि जनता से जुड़े हुए, जनता के सरोकार रखने वाले सभी महत्वपूर्ण विभाग धन सिंह रावत के पास हैं, चाहे उसमें शिक्षा की बात कर ली जाए जिसकी गुणवत्ता बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है उत्तराखंड में, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात कर ली जाए, स्वास्थ्य विभाग पिछली सरकार में भी धन सिंह रावत के पास था, लेकिन अब उनके पास चुनौती है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदेश में और बेहतर तरीके से चलाने की और
जिन परेशानियों से, जिन स्वास्थ्य सुविधा असुविधाओं से प्रदेश की पहाड़ की जनता जूझ रही है, उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। और क्योंकि महत्वपूर्ण जिम्मेदारी धन सिंह रावत को दी गई है, तो लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ वो अपने कार्य को करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर धन सिंह रावत के पास वो महत्वपूर्ण विभाग है जो जनहित से जुड़े हुए विभाग है और जिसमें जनता की इंटरफेयर सबसे ज्यादा रहता है। तो इसके साथ ही धन सिंह रावत के अलावा भी अगर बात करें तो गणेश जोशी के पास भी सैनिक कल्याण, जो कि उनका पूर्व में जो विभाग उनके पास थे वो है, लेकिन इसके साथ ही कृषि विभाग यानी कि एक महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया है जो पूर्व में सुबोध दुनियाल के पास हुआ करता था। और कृषि को मजबूत करने के लिए, किसानों को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में कृषि को एक अलग आयाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब गणेश जोशी को दी गई है, यानी कि किसान से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे हैं वो गणेश जोशी के पास रहेंगे। और कुल मिलाकर उद्योगों के साथ साथ अब, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि किसान भूल प्रदेश उत्तराखंड भी है, चाहे मैदानी क्षेत्र में कहा जाए तो बड़े स्तर पर किसान काम करते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में भी कहा जाए तो पलायन लगातार इस वजह से लोग करते हैं क्योंकि उनको बागवानी करने के लिए बेहतर चीज़ें नहीं उपलब्ध कराई जाती, जो सीढ़ी नुमा खेत है उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी गणेश जोशी के पास भी रहेगी। इसके साथ ही सुबोध दुनियाल जो कि एक बड़े नेता हैं और बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है उनको विभाग में ज़रूर उनकी कटौती की गई और जो नाराजगी शायद अब देखने को मिल सकती है उनके, क्योंकि केवल एक वन विभाग के अलावा कोई महत्वपूर्ण विभाग उनको नहीं दिया गया, उनको भाषा दिया गया, निर्वाचन दिया गया, तकनीकी शिक्षा है वो विभाग जरूर उनको दिया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उम्मीद ये की जा रही थी कि सुबोध दुनियाल को भी कोई भारी भरकम महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएंगे जिस पर वो बेहतर काम करके दिखाएंगे। हालांकि पुरानी सरकार में सबसे बेहतर मंत्री वो साबित हुए थे, लेकिन इस बार उनके विभागों में सबसे रेखा आर्य एक बड़ा चेहरा, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम सबसे ज्यादा सामने आया था और ऐसा लग रहा था कि महिला जो है वो मुख्यमंत्री बन सकती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से विश्वास जताया गया है और उन्हें जो मिला है वो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, खेल एवं युवा कल्याण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि महिला सशक्तिकरण को बहुत ज़्यादा दरकिनार रखा जाता है, उनकी प्रतिभाओं को और उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। जैसे पहाड़ की महिलाएं होती हैं, उन्हें नहीं पता कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है, किस तरह से होता है, तो तमाम सूचना उन तक पहुंचाना, उनको और ज़्यादा सशक्त बनाना, बच्चों का विकास करना, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले जो हैं जो लगातार बने रहते हैं, खेल स्पर्धा, उत्तराखंड के कई ऐसे बच्चे हैं जो खेल स्पर्धा में और ज़्यादा अच्छा बेहतर करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण विभाग जो है इनके पास है, कैसी जिम्मेदारियां रहेंगी और जिम्मेदारियों पर कितना खरा रेखा आर्य उतर पाएंगी? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि रेखा आर्य के पास पहले से ही महिला सशक्तिकरण विभाग पूर्व की सरकार में भी था, और लेकिन इसके साथ ही इस बार कई नई चीजें उनको दी गई, चाहे युवा कल्याण हो, खेल हो, तो ये महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड पिछड़ता हुआ नजर आता था। स्पोर्ट्स के तौर पर अगर कहा जाए तो बच्चों के पास बेहतर ग्राउंड नहीं हुआ करते, बेहतर सुविधा नहीं हुआ करती थी। तो इस बार रेखा आर्य के पास भी एक बड़ी चुनौती है कि केवल अपने विभागों के अलावा, पूर्व विभागों के अलावा नए विभाग जो दिए गए हैं उसमें उनको बेहतर काम करके दिखाना होगा, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो प्रतिभा है, जो खेल के रूप में आगे बढ़ना चाहती है, उन लोगों को प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने की कोशिश उनके द्वारा की जानी चाहिए, तभी खेल का स्तर उत्तराखंड में बढ़ता हुआ नजर आएगा। और यही वजह है कि उनको खेल विभाग भी इस बार दिया गया जी। इसके अलावा सुभाष चंद्र रामदास एक नाम जो है काफी चर्चित हुआ, और समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग, ये जो है ये मंत्रालय उन्हें मिला है, बड़ी जिम्मेदारी है समाज कल्याण की, अल्पसंख्यक कल्याण की, छात्र कल्याण की, परिवहन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण चीज चंदन राम दास के पास एक बड़ी चुनौती होगी परिवहन निगम को लेकर, क्योंकि लगातार जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर लगातार जो ये विभाग है ये कहा जा सकता है कि बड़े विवादों में भी रहा है और कहीं ना कहीं कर्जे पर भी नजर आता है, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनके वेतन लंबे समय से नहीं मिल पाते और कर्जे से किस तरीके से इस विभाग को उठाया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती चंदन राम दास के पास होगी। लेकिन इसके साथ ही समाज कल्याण एक महत्वपूर्ण विभाग उनको दिया गया और ये कहा जा सकता है कि उनका जो राजनीतिक अनुभव है उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण विभाग उनके लायक होने चाहिए, तमाम सभी जो विभाग हैं
उनको दिए गए। और इसके साथ ही एक युवा चेहरा सौरभ भगुणा है जो पहली बार मंत्री बने, और क्योंकि पहली बार मंत्री बने हैं तो उनके पास जो विभाग हैं वो जरूर हल्के रखे गए हैं, लेकिन इन विभागों में चुनौतियां बहुत ज्यादा है और इन चुनौतियों को लेकर कहीं ना कहीं सौरभ भगुणा को ये विभाग दिए गए, चाहे वो दूध विकास हो, इसके साथ पशुपालन हो, गन्ना विकास हो, यानी कि गन्ने की जो लगातार जो भुगतान नहीं होता, चीनी मिल की जो मनमानी होती है, उन सभी चीज़ों को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सौरभ भगुणा के पास भी कि वो अपने तमाम जो विभाग हैं उनको किस तरीके से उन विभागों में काम करते हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो नाराजगी उनके विभागों के चाहे कर्मचारियों की हो फिर आम जनता की, उनको किस तरीके से वो दूर करते हैं, तो कुल मिलाकर चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं सभी मंत्रियों के पास। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनमें जनता का सरोकार होता है, उन विभागों पर मेन नज़र रहेंगी आम जनता की, और ख़ास तौर से चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर जिस तरीके से कहा जा सकता है पर्यटन हो, तमाम वो भी। क्योंकि पिछले जब 2021 में पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला उत्तराखंड की जनता के लिए काम करने का, लेकिन मौका एक बार फिर से मिला है कि वो उत्तराखंड की जनता के लिए काम करें। इस बार चुनौतियां इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उम्मीदों पर खरा उतरना है पुष्कर सिंह धामी को। बिल्कुल, चुनौतियां केवल पुष्कर सिंह धामी के पास ही नहीं बल्कि चुनौतियां सभी जितने भी मंत्री हैं सभी के पास एक बड़ी चुनौती है कि अपने विभागों को किस तरीके से उन विभागों में बेहतर काम करके दिखाएं। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी चुनौती ये भी है कि लगातार 5 साल पहले से जो मंत्री काम कर रहे थे उनके पास जो विभाग थे वो उनको फिर से विभाग कुछ विभाग लौटाए गए हैं, तो अब कहीं ना कहीं उनका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा कि आखिरकार 5 साल के बाद फिर आपको वही विभाग दिए, कितना उन विभागों में उन्होंने कार्य किया और किस तरीके से उन विभागों को उन्होंने चलाया। लेकिन इस बार जो तस्वीर है वो बेहद अलग होगी क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने अपने पास विभाग बहुत ज़्यादा रखे हैं और यही देखा जाता है कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन विभागों पर मुख्यमंत्री कितनी नज़र बनाए रखते हैं, क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री को देखना होता है और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उन पर भी उनको नज़र बनाए रखनी होगी और इसके साथ ही प्रदेश का विकास भी करना। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट सहित पुष्कर सिंह धामी को भी प्रदेश विकास के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे होंगे, तब जाकर ही ये कहा जा सकता है कि जनता कहीं ना कहीं खुश नजर आएगी। क्योंकि एक बड़ी चुनौती इस बार बीजेपी सरकार के पास ये भी है कि डबल इंजन तो जरूर है लेकिन दूसरी बार प्रदेश की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा बनाया और उनकी सरकार बनाने में जनता का बड़ा सहयोग भी रहा है। जी, करने की तैयारी जो है अब पुष्कर सिंह धामी ने कर ली है और ठान लिया है कि अपने आप को प्रूफ करना है क्योंकि एक बार फिर से भरोसा जताया है। और इसके अलावा देखिए सुभाष, अभी जो सत्र है वो शुरू हुआ, कल हंगामा देखने के लिए मिला, कांग्रेस ने काफी हंगामा किया महंगाई को लेकर, आज का दिन कैसा रहा है, क्या कुछ जानकारी सुभाष? ये कहा जा सकता है कि विधानसभा सत्र की शुरुआत जरूर हो गई लेकिन शुरुआत आज भी केवल विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। हालांकि कल केवल विपक्ष के तमाम जो नेता थे वो अपने नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाए थे और आज भी नेता प्रतिपक्ष अभी तक विपक्ष की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन इतना जरूर है कि आज जो विपक्षी दल थे यानी कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक थे वो जरूर सरकार को घेरते हुए नजर आए और उनकी उन्होंने ये भी सरकार पे आरोप लगाया कि जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनका कुल मिलाकर उनके क्षेत्र में उनको दबाने के साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो वो उठाने चाहते हैं उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है और महंगाई जैसे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको सरकार ध्यान में नहीं रख रही और ना ही उस पर कोई काम कर रही। तो कुल मिलाकर अब सदन के अंदर नहीं सदन के बाहर भी विपक्ष आक्रामक रूप में नजर आ रहा है और कुल मिलाकर जो सदन है वो हंगामेदार जरूर नजर आएगा। जी बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये तैयारी जो है वो पुष्कर कैबिनेट ने पूरी तरह से कर ली है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास 24 जो विभाग हैं वो रखे गए हैं, 21 मंत्रालय हैं जो कि पहले 12 थे, तो ऐसे में अपने पास काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मंत्रालय रखे हैं और कड़ी चुनौती है। बाकी इसके अलावा जो और कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास भी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है, कुछ एक ऐसे हैं जिन्हें पुराने ही विभाग मिले हैं और उसके अलावा इक्का दुक्का विभाग बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि
वहीं ऐसे कैबिनेट में मंत्री शामिल हुए जो युवा चेहरे हैं, तो आम जनता जो है उत्तराखंड की, उनका भरोसा है कि जो युवा चेहरे हैं वो वाकई उनके लिए और उनके प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो। आम जनता की जो लगातार डिमांड रहती है कि पहाड़ी इलाकों में वो ठीक से गुजर बसर नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे निपटने के लिए तमाम चीज़ें हैं जिसकी तैयारी जो है कैबिनेट ने कर ली है पूरी तरीके से, धामी कैबिनेट ने, तो ऐसे में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं जिसका निवारण करने के लिए मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। अब देखना है कि किस तरह से पुष्कर सिंह धामी अपने आप को जो प्रदेश है उसमें प्रूफ कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।